जय हिंद ऑब्जर्वर्स, मायसेल्फ सत्यवान मौर्य, स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। फर्राटा फिजिक्स में आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं और जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का NCERT का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का एग्जाम्पल नंबर 2.7। तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग कौन सा डिस्कस करने चल रहे हैं, एग्जाम्पल 2.7 NCERT। ओके, तो क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने लगा भी दिए हैं, अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, व्हाई? व्हाट हैपेंस इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे? रिमेंबर ए पेपर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट बी है, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई इज दिस नेसेसरी? पार्ट सी है, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन, व्हाई? पार्ट फोर है, ए बर्ड पर्स ऑन ए बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपेंस टू द बर्ड, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेज द सेम लाइन एंड गेट ए फैटल शॉक, व्हाई? तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए पहला इसमें कह रहा है कि जब हम किसी कंघी को, किसी कॉम्ब को अपने बाल में रगड़ते हैं तो वो स्मॉल पेपर पीसेस को क्यों अट्रैक्ट करने लग जाता है। दरअसल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास कॉम्ब है, दिस इज सपोज वी हैव ए कॉम्ब, ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्ब है, और जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो ड्यू टू द मेथड ऑफ फ्रिक्शन ये कॉम्ब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है फ्रिक्शन से तो ये स्मॉल पेपर पीसेस को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पेपर पीसेस तो कोई कंडक्टिंग मटेरियल तो है नहीं, ये तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो क्यों ये अट्रैक्ट होने लग जाता है। दरअसल अट्रैक्ट इसलिए होता है, जैसे सपोज दैट ये पेपर है, तो पेपर के पास क्या होते हैं, एक तरीके से मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि मान लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ये कॉम्ब इस पेपर के पास आएगा तो पेपर के जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होंगे उनको अलग कर देगा, इनको पोलराइज्ड कर देगा। तो जब ये पोलराइज्ड हो जाएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इन पे फोर्स लगने लगेगा, जिसकी वजह से ये पेपर क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और दूसरा पार्ट इसमें आता है कि जिस समय हमारा बाल भीगा हुआ होता है, जब हमारे हेयर्स वेट होते हैं, या रेनी सीजन में जब आप इसको अट्रैक्ट कराओगे तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब रेनी सीजन में हम लोग इसको रब करते हैं तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, हमारा कॉम्ब स्लिप करने लगता है। जब फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा तो ये कॉम्ब स्लिप करने लगेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज हो ही नहीं पाएगा। जब चार्ज नहीं हो पाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब बाल भीगा होता है या रेनी सीजन में हम लोगों के पास क्या होता है कि कॉम्ब इलेक्ट्रीफाइड नहीं होता है, लेकिन अगर बाल सूखा हुआ है, बाल ड्राई है, ड्राई एटमॉस्फियर है, तब ये कॉम्ब इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, इसलिए क्योंकि ये पोलराइज्ड हो जाता है। ओके, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन बोलते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए। ओके, अब हम लोग पार्ट बी में चलते हैं, इसको जल्दी नोट करते रहिए आप लोग। पार्ट बी का जो सोल्यूशन है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब हम इसको हटा रहे हैं, नाउ प्रोसीड इन द पार्ट बी। पार्ट बी का कहना है कि एक स्पेस क्राफ्ट है, सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, एक स्पेस क्राफ्ट होगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है, अगर बन जाए तो थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट भी करिए आप लोग, ठीक है। और ठीक है, ऐसे ये हमारा क्या है, स्पेस क्राफ्ट, और उसके बाद स्पेस क्राफ्ट के पास ये क्या होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, स्पेस क्राफ्ट के पास व्हील्स लगे रहेंगे, यहाँ पे क्या होता है, इसके व्हील्स लगे हैं, टायर्स, ठीक है, इनके टायर्स लगे हैं, दिस इज द स्पेस क्राफ्ट और ये इसके टायर्स हैं। देखिएगा,
जब ये इसके टायर्स हैं तो क्वेश्चन ये है कि बाकी जो ट्रक के टायर होते हैं, बाइक के टायर होते हैं, टेम्पो के टायर्स होते हैं, ये सब तो इंसुलेटिंग होता है, मतलब इसमें कोई कंडक्टिविटी होती नहीं है चार्जेस की, लेकिन प्लेन का ये कंडक्टिंग क्यों बनाया जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न दैट इट्स टायर इज मेड कंडक्टिंग? तो इसको कंडक्टिंग इसलिए बनाया जाता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, जब ये प्लेन क्या होता है, प्लेन जब हवा में चलता है तो एयर मॉलिक्यूल्स के कारण इसकी जो बॉडीज़ होती हैं वो लगातार फ्रिक्शन के कारण चार्ज होती रहती हैं, और जैसे ये चार्ज होती रहती हैं तो जब ये सपोज दैट प्लस माइनस चार्जेस वगैरह इस पर हो जाते हैं, प्लस चार्ज, तो जब ये चार्ज होता है तो अगर ये हम लोग कंडक्टिंग नहीं बनाएंगे तो चार्ज क्या होगा, इस टायर के ऊपर प्लेन की बॉडी में रहेगा, और जब प्लेन की बॉडी में रहेगा तो इसके स्पार्क होने के चांसेस या फिर लाइटनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और लाइटनिंग होने के चांसेस की वजह से इसमें आग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, ये हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बचने के लिए हम लोग टायर को कंडक्टिंग बनाते हैं। और टायर को जब हम लोग कंडक्टिंग बना देंगे तो अब ये वाला पोर्शन पूरे प्लेन की बॉडी से अलग हो जाता है, जब अलग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पैसेंजर्स जो है वो एक सेफ जोन में रहेंगे, अगर टायर बर्न भी हो जाता है तो भी इस प्लेन को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इस टायर को कंडक्टिंग बनाते हैं, तो पूरा पूरा चार्ज ये होता है और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है। ये तो तब की बात हम लोग कर रहे हैं जब एयर हमारी फ्लाइंग कंडीशन में होती है। अब जब हम लोग एयर को टेक ऑफ, जब एयर टेक ऑफ होने लगता है तो इस पर क्योंकि देखिए रनवे पे होता है, तो रनवे पे जब ये आपका चलता रहता है तो ये लगातार जो अर्थ का सरफेस है उसके साथ ये फ्रिक्शन में भी होता है, और जब उतरने लगता है तो भी फ्रिक्शन में होता है, तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में जब ये उतरने लगेगा तो भी ये रगड़ खाता है अर्थ से, जिसकी वजह से ये चार्ज हो जाएगा, और अगर चार्ज हो जाएगा तो भी इसके बर्स्ट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से ये चार्ज भी हो जाता है, और जैसे चार्ज होगा तो धीरे धीरे अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उससे न्यूट्रल भी होता रहेगा बराबर, जिसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, सेफ होते हैं। इस वजह से हमारा जो टायर होता है उसको कैसा बनाया जाता है, कंडक्टिंग बनाया जाता है, एयरक्राफ्ट का टायर, ठीक है, लेकिन बाकी टायर्स कंडक्टिंग नहीं होते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट बी, करेक्ट, समझ में आ गया ना। अब हम लोग पार्ट थ्री पे चलते हैं। पार्ट थ्री क्या कह रहा है, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल। अच्छा, पार्ट थ्री कह रहा है, इसको मैं रिमूव कर दूं, आप इसको देखते रहिएगा। पार्ट थ्री इज सेइंग दैट कि जो ट्रक होते हैं, ट्रक में बहुत ज़्यादा, आप देखिए पार्ट सी में जो ट्रक होते हैं, ट्रक ऐसे चलता है ना, ये आपके ट्रक्स हो गए, ओके, ये ट्रक ऐसे बने होते हैं ना ट्रक, तो ट्रक में आप देखेंगे इसमें सपोज दैट हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल भरा हुआ है, हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल इस पे है, ठीक है, मटेरियल हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है, तो अब यहाँ पे एक लोहे की चैन वगैरह लटका दी जाती है, आपने देखा होगा एक चैन ऐसे लटका दी जाती है, ठीक है, बहुत सारे चैन ऐसे लटकते रहते हैं जो कि ग्राउंड से ये क्या करते रहते हैं, टच होते रहते हैं, ये सारी चैन्स क्या होती हैं, ग्राउंड से टच होती रहती हैं। तो ये अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता है तो इस पर बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, मतलब थोड़ा सा अगर इसको चिंगारी मिली तो पूरा पूरा ये मटेरियल बर्स्ट कर जाएगा, इसमें आग पकड़ लेगा बहुत जल्दी, इट मे कैच फायर वेरी फास्ट, दैट्स वाई वी हैव ए सोल्यूशन दैट वी हैंग ए चैन दैट रिमेंस थ्रू आउट द जर्नी विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, चार्ज होता रहता है। अब जैसे ये चार्ज होता रहता है तो जब चार्ज होता रहेगा तो भाई अगर इस पर चार्ज लगातार मेंटेन रहेगा, क्योंकि टायर क्या होता है, इंसुलेटिंग, जो इसके ट्रक्स के टायर होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, तो इसलिए चार्ज के निकलने की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। अगर हम किसी तरीके से इस बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज ग्राउंड में बहुत तेज़ी से चला जाता है, बस उसको एक ग्राउंड का कनेक्शन चाहिए होता है।
हम लोग इस वजह से जब ट्रक चलती है तो उसके पीछे कई सारे चैन लटका देते हैं ताकि ये चार्ज भी होता रहे और धीरे धीरे इसका चार्ज ग्राउंड में जाता भी रहे। तो इससे यहाँ चार्ज कलेक्ट भी नहीं हो पाएगा, और चार्ज कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो इसमें आग पकड़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। इस वजह से हम लोग ये चैन को क्या करते हैं, लटका देते हैं। आप नॉर्मली सड़क पर चलते होंगे तो आपको ये चीज़ें दिखती होंगी, ठीक है। पार्ट फोर में आते हैं। पार्ट फोर क्या कह रहा है, ए बर्ड परचेस ऑन ए बेयर हाई पावर लाइन्स। पार्ट फोर कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, पार्ट डी इज सेइंग दैट, अब इसको ध्यान से समझेंगे। पार्ट सी समझ में आया ना, क्यों हम लोग चैन लटका देते हैं ट्रक्स में, आप लगातार देखते होंगे। जैसे ये पावर लाइन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जब बर्ड बैठते हैं, सपोज दैट ये बहुत सारे पावर लाइन्स जाते रहते हैं, लेकिन बर्ड एक ही पावर लाइन्स पे बैठेगा, आप देखिएगा, ठीक है। और ये उसके पैर सूखते हैं, और ये बर्ड का क्या है, बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, बर्ड। बर्ड जब पावर लाइन पे बैठता है तो इसको करंट क्यों नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक डज नॉट फील। इसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है, जबकि एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, एक पर्सन क्या है, ग्राउंड पे खड़ा है, और उसने अपने एक हाथ को उठा के इसको क्या किया है, इसको पकड़ लिया है, ठीक है, इसको कैच कर लिया है। तो अब बताइए इसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लग जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि करंट आपको तभी लगेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे किसी पोटेंशियल या कोई करंट फ्लो कर रही है, तो इनका पहला पैर भी यहीं पे है, दूसरा पैर भी यहीं पे है, इनकी बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पैदा हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पैदा हो रहा है, इस वजह से इनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि करंट इनकी बॉडी पे होके जाता ही नहीं है, करंट यहीं से जाएगा, यहीं से निकल जाएगा। अगर इनकी बॉडी से होके जाता तब इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ये जो करंट यहाँ से आ रही है, हम लोग इसको एक हाथ से पकड़े हैं, दूसरे को हमने टच किया है ग्राउंड, पैर से हमने ग्राउंड को टच किया है, तो करंट हमेशा ग्राउंड में जाना चाहती है। और जैसे ही हम लोग इसको ऐसे टच करेंगे तो इसको एक छोटा रास्ता मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थिंग की वजह से आपके थ्रू करंट होकर जाएगी, और जब आपके थ्रू करंट होकर जाएगी तो आपकी बॉडी कंडक्टिंग होती है, और ये पूरा पूरा आपको जलाते हुए निकल जाएगी, जिसकी वजह से एक हाई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए इनको शॉक नहीं लगता है, क्योंकि करंट इनके थ्रू होके नहीं जाती, कोई डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस होता, जबकि आपके थ्रू क्या है, डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसका अर्थ का वोल्टेज कितना है, जीरो, और इसका करंट जा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ होगा ही, 5 होगा या 10 होगा या 50 वोल्ट होगा या 440 वोल्ट हो सकता है। तो इस वजह से 440 वोल्ट को अगर आप टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, ठीक है। यही रीज़न है कि बर्ड को करंट नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, और किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड से टच नहीं है, इफ़ यू डज नॉट टच विद द ग्राउंड, देन नो इलेक्ट्रिक शॉक यू विल फील। क्यों, क्योंकि भाई जब इसको कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं तो ये जाएगी कहाँ करंट, इसलिए करंट सीधा रास्ता अख्तियार कर लेगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट फोर। इन दिस वे वी हैव एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स ऑफ द एग्जाम्पल 2.7। ओके, थैंक यू।